नमस्कार दोस्तों, फेबुलस एकेडमी कुचामन सिटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 17 दिसंबर की करंट अफेयर्स को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्रेटा के नाम से जाना जाता है। कल की स्लाइड में हमने ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता है, स्वीडन की रहने वाली है और ये पर्यावरण कार्यकर्ता है और इसको पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स पत्रिका ने सुना है, पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। कल की जो न्यूज है उसमें हमने पढ़ा था और वो किसने चुना था, वो टाइम्स पत्रिका ने चुना था। वैसे ही भारत की एक मणिपुर की रहने वाली 8 साल की बच्ची है लिसप्रिया कंगुजम, जिसको भारतीय ग्रेटा कहा जाता है। ये 8 साल की है, इसका जन्म महात्मा गांधी के जन्म के दिन ही 2 अक्टूबर 2011 को हुआ और ये मणिपुर की रहने वाली है और इसको बहुत सारे प्राइज मिल चुके हैं और ये ग्रेटा की तरह ही लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का कार्य करती है। यहाँ हम जो 3 ऑप्शन है पहले इनके बारे में देख लेते हैं। सुनीता नारायण भी CSE की डायरेक्टर है, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की, और एक पत्रिका है जिसका नाम है डाउन्स टू अर्थ, उस पत्रिका की ये लेखिका भी है और प्रधान संपादक भी रही है। मेनका गांधी भारतीय मिनिस्टर है, महिलाएं और बाल कल्याण मंत्री है और ये एक एनजीओ चलाती है जिसका नाम है पीपुल फॉर एनिमल्स। और देखो ये बहुत ही अच्छा जो जानवरों के लिए काम करने वाला एनजीओ है जिसकी मेनका गांधी खुद देख रेख करती है। वंदना शिवा भी भारतीय एक महिला पर्यावरण कार्यकर्ता है जिसका एक एनजीओ चलता है, उसका नाम याद रखना आपको, जो बीज बचाने में काम करता है, बीजों के बचाने में कार्य करा, नवदान्य नाम का एक एनजीओ है जिसका मेन वाक्य है सेव द सीड, यानी कि आप बीज को बचाइए, अगर बीज बचेगा तो फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी और दुनिया आगे बढ़ेगी। देखो ये है मेकिंग इंडिया ब्रीथ और ये माइक लेके और लोगों को जागरूक कर रही है। और अभी जो 2-3 से लेकर 13 दिसंबर तक मेड्रिड के अंदर COP25 चला, उसमें भी इसने भाषण दिया था, COP25 के अंदर अपनी बात दुनिया के सामने रखी थी। तो आपको याद रखना है कि मणिपुर की रहने वाली ही लिसप्रिया कंगुजम को भारतीय ग्रेटा कहा जाता है। 8 वर्ष की है ये बालिका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 12 दिसंबर को। हर एक साल 12 दिसंबर को दुनिया के अंदर जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है उसके लिए यूएन के द्वारा ये एक दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि यूएन का लक्ष्य है कि 2030 तक पूरी दुनिया है ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दायरे में आनी चाहिए और उसी के लिए ये जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक साल मनाया जाता है। और इस साल का जो 12 दिसंबर का ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस था, इसकी थीम थी कीप द प्रोमिस, वादा याद रखिए, बनाए रखिए, 2030 तक हमें ये लक्ष्य पूरा करना है। तो आपको 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना दोस्तों। आगे वाला सवाल है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC ST आरक्षण को 10 वर्ष के लिए यानी कि 25 जनवरी 2030 तक विस्तार देने के लिए लक्षित है। यानी कि अभी एक संविधान संशोधन विधेयक लाया गया लोकसभा में और ये पास हो गया, इसमें SC ST का आरक्षण कितने साल के लिए बढ़ा दिया, 10 साल के लिए, अब कब तक है, 2030 तक के लिए। और ये जो संविधान संशोधन बिल था इसका नाम था 126वां। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, 12 दिसंबर को ये विधेयक है इसको मंजूरी दे दी राज्यसभा ने, लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका था। आपको बता दें इसे SC और ST का आरक्षण है 2030 तक हो जाएगा। अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा के अंदर अगर SC की सीटें देखें तो वो है दोस्तों 84 और अगर ST की सीटें देखें तो वो है 47। ये सीटें 2030 तक बनी रहेगी, 2001 की जनसंख्या पर आधारित हैं ये सीटें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि दिसंबर 2019 में भारत और बांग्लादेश के बीच निम्नलिखित में से किस बस मार्ग का ट्रायल रन शुरू हुआ है, अभी शुरू हो चुका है ट्रायल रन। इसका आंसर होगा 1 और 3 दोनों, यानी कि ढाका से गंगटोंक और ढाका से दार्जिलिंग जाने वाली बस सेवा है वो शुरू हुई है दोस्तों, अभी मैप से आपको पता चलेगा। देखो ये ढाका कैपिटल है किसकी, बांग्लादेश की, यहाँ से ये बस चलेगी और ये पहले दार्जिलिंग जाएगी और दार्जिलिंग से फिर यहाँ जाएगी गंगटोंक,
यानी कि गंगटोंग से एक सीधी बस आएगी जो ढाका आएगी और एक दार्जिलिंग से आएगी, यानी कि इस रूट के ऊपर बसें चलेगी। इससे बांग्लादेश और भारत के लोगों के बीच आवाजाही बढ़ेगी और आवाजाही बढ़ने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ देखो आपको ये दिख रहा है, ये एक सिलीगुड़ी, इसी को तो सिलीगुड़ी गलियारा बोला जाता है। ये पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों के आने जाने का यही 80 किलोमीटर जो चौड़ाई का रास्ता है वही काम करता है। पहले कलकत्ता और ढाका के बीच में भी एक बस चलती है, ये रही कलकत्ता ढाका। पीछे कभी गवर्नमेंट ने एक बस चलाई थी ढाका और अगरतला के बीच में, अगरतला थी वो त्रिपुरा की राजधानी थी। तो ये हमने आज जो अभी चलाई है बस है ढाका और गंगटोंक के बीच में। गंगटोंक किसकी कैपिटल आप लोगों को पता ही है, सिक्किम की कैपिटल है जो भारत का, ये चाइना से टच होता हुआ एक राज्य है। और दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है जो कलकत्ता इसके पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है दोस्तों, तो ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि इसरो ने निम्न में से किस राज्य में तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये हमने पीछे ही पढ़ा था, तमिलनाडु में। आपको पता है भारत का अगर हम ऐसे मैप ड्रॉ करेंगे ये ऐसे, तो यहाँ पे ये अभी हमारा इसरो है, अभी जो हमारा इसरो है वो तमिलनाडु राज्य में होके आंध्रा में, और अभी इस तमिलनाडु के अंदर यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट बढ़ता है जिसका नाम है तुतीकोरन। उस तुतीकोरन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है जिसका नाम है थूथुकुडी। उस थूथुकुडी जगह के ऊपर ये भारत का तीसरा जो लॉन्चिंग पैड है इसरो का ये स्थापित किया जाएगा। दो लॉन्चिंग पैड है वो ऑलरेडी पहले यहाँ श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है दोस्तों। ये देखो इससे पता चलेगा आपका थूथुकुडी जिले के अंदर ये कुलशेखरपट्टनम नामक एक तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित किया जाएगा, और दो जो लॉन्च पैड है वो श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है नल्लोर, उस जिले में। और आपको याद रखना दोस्तों यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील, उस पुलिकट झील के किनारे ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, यानी कि किसको दिया गया, फिक्की के द्वारा जो स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए उसमें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया किसे दिया गया। दो लोगों को दिया गया, एक है रानी रामपाल, एक सौरभ चौधरी। आपको अनुमान लगाओ कि रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है, हॉकी की, और सौरभ चौधरी है ये निशानेबाजी का है। निशानेबाजी की एक और भारतीय महिला भी है जो सौरभ चौधरी के साथ ही बहुत अच्छा खेल रही है अभी, जिसका नाम है मनु भाकर। मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने जो टोक्यो के अंदर 2020 के अंदर ओलंपिक होगा उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है, और रानी रामपाल ने हॉकी की जो महिला टीम थी उसको भी क्वालिफाई करवा दिया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, ये है रानी रामपाल और ये है सौरभ चौधरी। इसको 2019 का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो फिक्की द्वारा दिया जाना चाहिए। फिक्की की स्थापना हमने कल के जो वीडियो में देखी थी 1927 में की गई थी। ये एक कॉमर्शियल बेस्ड इंस्टीट्यूट है जो भारत के अंदर व्यापार और वाणिज्य की बढ़ोतरी के लिए कार्य करता है। रानी रामपाल है, इसने 2020 में टोक्यो ओलंपिक के लिए अमेरिका के खिलाफ प्रभावी गोल किया था और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सौरभ चौधरी पीछे एक साल से लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हैं और एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और इनको अभी जो टोक्यो के अंदर ओलंपिक होगा उस ओलंपिक के लिए स्वर्ण पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा है दोस्तों। तो इन दोनों रानी रामपाल और सौरभ चौधरी यंग है, इन दोनों को याद रखना, आपको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। आगे का सवाल है कि जूरी नामक एक एप्लीकेशन बनाने वाली गुड़गांव स्थित स्टार्टअप, एक स्टार्टअप है गुड़गांव में जिसको कोपरनिकस मास्टर्स अवार्ड या फिर जिसे स्पेस ऑस्कर कहा जाता है ये दिया गया। कोपरनिकस ये क्रांति आप लोग जानते ही होंगे, जो पहले ये कॉन्सेप्ट चलता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको चेंज कर दिया था कोपरनिकस ने, बोला कि सूर्य केंद्र में है ब्रह्मांड के और बाकी जो ग्रह हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये कोपरनिकस थे। और उस कोपरनिकस के आधार पर स्पेस के सेक्टर में अच्छा काम करने वालों को एक स्पेस ऑस्कर दिया जाता है, और वो इस साल दिया है ब्लू स्काई एनालिटिक्स को जो गुड़गांव का एक स्टार्टअप है दोस्तों। इसको बेहतरीन सामाजिक उद्यमिता की श्रेणी के लिए ये अवार्ड दिया गया। ये उपग्रेड फसल अवशिष्ट के आवंटन के लिए उपग्रेड डेटा का उपयोग करता है, यानी कि ये सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाला एक स्टार्टअप है, उसको ये ब्लू स्काई एनालिटिक्स को इस साल का स्पेस ऑस्कर यानी कि कोपरनिकस मास्टर्स अवार्ड मिला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि दिसंबर 2019 में
किस राज्य में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया। वर्चुअल का मतलब कि फिजिकल नहीं होगा सब कुछ, ये जो अभी आप पढ़ रहे हो वैसे ही ऑनलाइन काम होगा। यदि किसी के साथ कुछ गलत काम हो जाता है तो वो ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है, एक्शन भी ऑनलाइन ही लिया जाएगा, उसे बता दिया जाएगा कि हाँ आपने जो शिकायत की है उस शिकायत का अभी क्या स्टेटस चल रहा है। ये काम किया है आंध्र प्रदेश राज्य ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन का। आंध्र प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है आंध्रा यूनिवर्सिटी, उस पर 13 दिसंबर 2019 को वहाँ के जो YS जगमोहन रेड्डी है उन्होंने इस पुलिस वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है दोस्तों। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है वर्चुअल और डिजिटल दुनिया के अंदर। 1990 के दशक में सर्व युद्ध अपराधों के लिए पक्ष समर्थक के रूप में स्वीडन और विदेशों में हुई आलोचना के बीच 10 दिसंबर 2019 को नोबेल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया। सीधी सी बात है कि 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जिस शख्स को दिया गया उसने 1990 के दशक में जो युद्ध हुए थे उन युद्धों का समर्थन किया था। ये शख्स कौन है, इनका नाम है पीटर हैंडके। पीटर हैंडके एक ऑस्ट्रिया के रहने वाले एक साहित्यकार है जिसकी राजधानी वियना, और उनको 2019 का ये पुरस्कार दिया गया था। और इनके विरोध के बावजूद देखो ये हैं ऑस्ट्रियन पीटर हैंडके, बहुत सारे देशों का विरोध होने के बावजूद भी इनको ये पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें कि 2019 के साथ 2018 का पुरस्कार भी इसी साल दिया था, पिछले साल नहीं दिया गया था। और इस साल पोलैंड की एक महिला इतिहास का वो साहित्यकार है जिसको ये पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है ओल्गा तुर्गोस्क। तो याद रखना ओल्गा तुर्गोस्क को 2018 का दिया है जबकि पीटर हैंडके को 2019 का दिया है। ये नोबेल प्राइज है ही, हमने खूब बार डिस्कस कर लिया है। और यहाँ जाके आप 2012 से लेके 2017 तक के पिछले 6 सालों के नोबेल जो लिटरेचर के प्राइज हैं वो भी देख सकते हो। आगे है कि फोर्ब्स जो एक पत्रिका है, टाइम्स जैसी एक पत्रिका, दरा हाल ही में जारी की गई विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमन का कौन सा स्थान है। पहले तो आपको बताना ये निर्मला सीतारमन कौन है, भारत की वित्त मंत्री है, आप लोगों को पता है वित्त मंत्री है भारत की, और इस वित्त मंत्री को 34वां स्थान मिला है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, ये देखो भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, इनको 34th रैंक मिली है। भारत में ही एक है HCL टेक्नोलॉजी, इसकी वाइस चेयरमैन है रोशनी नडार, उसको 54 रैंक मिली है। बायोकॉन की चेयरपर्सन है किरण मजुमदार शो, उसको 67th रैंक मिली है। जबकि UAE जो कल हमने पढ़ा था संयुक्त अरब अमीरात, उसमें रिटेल मुगल लैंडमार्क ग्रुप की एक चेयरवुमन है रेणुका जगतियानी, को 96 रैंक मिली। ये सब भारतीय हैं। और अगर इस फोर्ब की सूची की ओवरऑल की बात करें तो फर्स्ट रैंक के ऊपर जर्मनी की चांसलर है, उसको इस पदक से नवाजा गया है और उसका नाम है दोस्तों एंजेला मर्केल। अगर आपसे पूछे कि फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे ताकतवर महिला कौन सी है तो आपको ये एंजेला मर्केल का नाम बताना है, मर्केल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने तो एक प्रस्ताव को मंजूर किया गया। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। अभी आंध्र प्रदेश में एक वेटनरी की जो महिला डॉक्टर थी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसको जला दिया गया, उसके बाद में ये इस प्रकार का निर्णय लिया है और राज्यपाल ने की अनुमति के बाद ये कानून बन जाएगा। यहाँ हम आंध्र प्रदेश का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ये यहाँ पे है श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर। श्रीहरिकोटा की अगर बात करें कभी तो ये यहाँ पे होगा, और अगर वो जो दूसरा सेंटर बनाया जा रहा है तुतिकोरन यानी कि वो थुतुकुड़ी के अंदर, वो ये यहाँ पे होगा, यानी कि ये पूर्वी तट पे ही बनेंगे दोनों सेंटर। और आपको बता दें ये जिस जिले के अंदर है उसका नाम है नल्लोर डिस्ट्रिक्ट, नल्लोर में। और ये देखो ये सब के सब आंध्रा के डिस्ट्रिक्ट है। देखो मछलीपत्नम बंदरगाह है यहाँ का, यनम पांडिचेरी में स्थित है, ये भी हमने एक बार पढ़ा था कि पांडिचेरी तीन जगह है, तीन राज्यों में स्थित है, केरल तमिलनाडु और आंध्रा में। ये विशाखापत्तनम यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये श्रीकाकुलम बंदरगाह है। और ये देखो ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी एक राजधानी बनाई जा रही है जिसका नाम है अमरावती। अमरावती ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य, इससे अलग होकर एक तेलंगाना बनाया गया था। और ये इधर छत्तीसगढ़ है, इधर उड़ीसा है, ये कर्नाटक है और ये तमिलनाडु है, यानी कि भारत के 5 राज्य इससे घिरे हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपको जब इंडिया का मैप देखो तो आंध्र प्रदेश को थोड़ा और अच्छे से देख लेना आप,
ये पूरे के पूरे ये आंध्रा, आंध्रा में देखो अगर डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट हैं वो इंडियन जो बंगाल की खाड़ी है उससे टच हो रहे हैं। देखो ये श्रीकाकुलम है, वाइजीग्राम है, ये विशाखापट्टनम है, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, ये घंटूर भी हो रहा है देखो यहाँ से, और ये प्रकाशम, नल्लोर, ये इधर के तीन डिस्ट्रिक्ट है, ये भी यहाँ से टच हो रहा है। ये अनंतपुरम, कुरनूल और वाईएसआर, ये तीन ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो समुद्र से टच नहीं हो रहे, बाकी लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट समुद्र से टच हो रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अल्बेट्रे फर्नांडीज ने नेशनल कांग्रेस में एक समारोह में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। दोस्तों अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये फर्नांडेज ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की शपथ ली है, ये है वो शख्स। तो ये अर्जेंटीना है किस महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ये अर्जेंटीना, और इसकी कैपिटल ये है ब्यूनस आयरस। यही हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के लगभग जो देश हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों एक यहाँ पे द्वीप है देखो, ये फॉकलैंड आइलैंड। इस फॉकलैंड द्वीप को लेके 1982 से लगातार विवाद है, वो है अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में, ये आपको याद रखना है। और देखो ये अर्जेंटीना के इधर पास में एक देश है उरुग्वे, जिसकी कैपिटल है मोंटेवीडियो। ये पराग्वे है जिसके असुनशीनियन, और ये देखो इधर ब्राजील है जिसकी है ब्राजीलिया। ब्राजील में के ऊपर इधर देखो कई कई बार आपने नाम सुना होगा फ्रेंच गुयाना से उपग्रह भेजा गया, ये फ्रेंच गुयाना यहाँ है, सूरीनाम ये यहाँ है, गुयाना यहाँ है। वेनेजुएला जिसकी राजधानी कराकस है वो यहाँ पे है, कोलंबिया की बागोटा देखो ये यहाँ पे है, पेरू की लीमा ये यहाँ पे है, इक्वेडोर नाम सुना है आपने इसकी क्वेटो ये कैपिटल है यहाँ, बोलिविया की कैपिटल है सुक्रे ये यहाँ पे है, और इसकी वैसे पॉपुलर जो कैपिटल है वो लापाज मानी जाती है, लेकिन है इसकी कार्यपालिका की कैपिटल सुक्रे है। अभी देखो ये चिली है जिसकी कैपिटल है सेंट डियागो। सेंट डियागो से ही तो 2019 का जो ये COP25 है ये शिफ्ट करके मेड्रिड किया गया है, ये जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, ये आपको याद रखना है। कुल मिला के इसमें 12 देश है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम ब्राजील जो सबसे बड़ा देश है इसका देखो, अगर देखे तो साओ पालो इसका बड़ा बंदरगाह है, रियो डी जेनेरियो एक बड़ा सिटी भी है, बंदरगाह भी है जहाँ पर 2016 का ओलंपिक हुआ था, आप लोगों को पता है। और फोर्टोलोजा भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिटी है, और इसी के जंगलों में यहाँ पे जो अमेजन के जंगल है यहाँ पे अभी आग लगी थी, ये अमेजन यहाँ नदी बहती है और इस अमेजोन के जंगलों में ही आग लगी थी दोस्तों। तो दक्षिणी अमेरिका का जो तो पोलिटिकल मैप है वो एक बार आपको वापस और देख लेना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि किस पूर्व क्रिकेट कप्तान को दक्षिण अफ्रीका के पहले क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा ग्रीम स्मिथ। अब ग्रीम स्मिथ तो चलो ठीक है, ये राइट आंसर हो गया कि क्रिकेट का निदेशक चुनेंगे, जैसे कि यहाँ अभी बीसीसीआई का अध्यक्ष है सौरव गांगुली को चुन दिया है, लेकिन यहाँ हम इस माने दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ये जो स्टार मार्क है ये सब कैपिटल है, जैसे केपटाउन भी कैपिटल है इसकी, ब्लूम फाउंटेन भी कैपिटल है इसकी, और प्रिटोरिया भी कैपिटल है इसकी। अब सवाल उठता है कि प्रिटोरिया कौन सी कैपिटल है, कार्यपालिका है, यानी कि यहाँ का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है वो यहीं बैठते हैं। और अगर मैं केपटाउन की हम बात करें तो केपटाउन में यहाँ विधायिका है, यानी कि यहाँ की अगर संसद की बात करें तो संसद यहाँ केपटाउन में बैठती है, और यहाँ का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि न्यायपालिका है वो ब्लूम फाउंटेन में, यानी कि विधायिका की राजधानी केपटाउन है, कार्यपालिका की प्रिटोरिया है, और ब्लूम फाउंटेन है वो न्यायपालिका की है। यहाँ पे एक रिवर भी है दोस्तों जिसका नाम है ओरेंज रिवर, यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है ड्रकेन्सबर्ग। यहाँ इस अफ्रीका दक्षिणी अफ्रीका से चारों ओर से घिरा हुआ एक देश भी है जिसका नाम है लिसोथा, ये कई बार एग्जामों में पूछा है, लिसोथा किस देश के चारों देश से चारों ओर से घिरा हुआ है। अगर आपने कभी नोट किया होगा तो केप ऑफ गुड होप नाम सुना होगा, देखो ये है केप ऑफ गुड होप, यहीं से हो घूम के पहले भारत यात्री आया करते थे, वास्को डी गामा वगैरह। भारतीय टीम जब अफ्रीका जाती है तो यहाँ यहाँ मैच खेलती है, देखो पोर्ट एलिजाबेथ में खेलती है, पोर्ट सेंट जॉन्स में खेलती है, डरबन जहाँ पे मैच होते हैं ज्यादातर वो यहीं पे होते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है वो ये है दोस्तों जोहान्सबर्ग। तो इस मैप को आपको एक बार वापस देखने लाए है, तीनों चारों राजधानियों के साथ इनकी जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं वो भी देख लेनी है। मैप से क्या है याद जल्दी होते हैं और क्लियरिटी भी ज्यादा आती है। दोस्तों आज का डिस्कशन इतना ही दोस्तों, फेबुलस एकेडमी का करंट अफेयर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ, थैंक यू।